प्यार के दर्द में रो रहा है आज एक माँ का दिल। अपनी बेटी को असल मायने में पाकर आज खुश तो बहुत है एक माँ का दिल, और खुश हो भी क्यों ना भला। सालों बाद आज राशि ने गोपी को सच्चे दिल से माँ जो कहा है और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगी है। ये सब देख के एक माँ अपनी भावनाओं को कैसे रोक पाती। उसने भी अपनी बिटिया रानी को अपने सीने से लगा लिया और फिर बड़े ही प्यार से उसे सहलाने लगी, उसके सर पर हाथ फेरने लगी। राशि बहुत ही बच्ची है, उसे सही और गलत का जो डिफरेंस है उसे नहीं समझ में आता, वो चीज़ हमें ही उसे समझानी पड़ेगी। उसने बस कुछ चीज़ें सुन ली थी, देख ली थी, उसी को उसने सच मान लिया। राशि को जब ये बात पता चली थी कि मैंने उसकी माँ को मारा है, इट्स अ बिग थिंग। हम माँ के ऊपर ही उंगली तक नहीं उठाने दे सकते, किसी को देख नहीं, मतलब कुछ बोल दे तो गलती से हम मार दे। सो उस बच्ची को तो ये पता चलता कि मैंने मारा है, सो इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। राशि के सारे ड्रामे का हो चुका है पर्दाफाश, और इसी वजह से राशि ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। अपनी राधा माँ की असलियत जानने के बाद राशि को अपने किए कराए पर बहुत अफसोस है। उसे अफसोस है इस बात का कि जिस गोपी माँ को उसने मारने की कोशिश की, वही गोपी माँ बिल्कुल निर्दोष है। वो राशि को एक सच्ची माँ की तरह चाहती है। छोटी बच्ची है अभी, एंड ऑफ कोर्स मेरा ये फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए मदर कि मैं उसको संभालूँ, उसको समझाऊँ कि क्या गलत है क्या सही है। एंड आई एम श्योर कि आगे से राशि ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोदी परिवार में एक तरफ जहाँ खुशियों की लहर दौड़ रही है, वहीं दूसरी ओर परिधि ने भी सालों बाद जिगर से पहली बार कुछ मांगा है। वो जिगर से अपने प्यार की निशानी चाहती है। वो आज अपने पति से वो सब कुछ मांग रही है जो एक पत्नी का अधिकार होता है। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल लिए इस घर को, इसीलिए मैं चाहती हूँ मुझे भी मेरे पति से कुछ मिले। आप मुझे अपना बच्चा चाहिए, प्लीज आपके आगे आज हो ना मत कहिएगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरी औलाद दे दीजिए। परिधि को थोड़ा टाइम देना होगा हमें, और आई एम श्योर कि वक्त के साथ साथ आके सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिगर जी, परिधि की भूल चूक को माफ करिए और उसकी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान लीजिए, वरना एक और नए ड्रामे का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। वंदना शुक्ला, एबीपी न्यूज़, मुंबई।